तो हेलो फ्रेंड्स, यार कैसे आप सब लोग। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल टी एच इलेक्ट्रॉनिक्स पे। और फ्रेंड्स, आप लोगों का डिमांड और वीडियो जो है आ चुका है। ये जो है 2.1 होम थिएटर और इसको हम लोग जो है टेस्ट करने वाले हैं 8 इंच के सबवूफर के साथ। आप लोग देख सकते हैं, ये वही वाला सबवूफर है जिसका हमने अनबॉक्सिंग किया था 44-40 के साथ टेस्ट किया था। ठीक है, तो आज जो है इसको हम ये अपने इंटेक्स के होम थिएटर के साथ टेस्ट करने वाले हैं, जो कि मैंने मतलब पिछले वीडियो में आप लोगों से पूछा था इसके ऊपर वीडियो लाना है क्या, तो कुछ कमेंट्स आए कि हाँ भाई लेके आओ 2.1 के साथ। ठीक है, तो ये जो वीडियो होने वाला है 2.1 के साथ, इसको आप सेम मान सकते हैं 4.1 और 5.1 के साथ। ठीक है, तो आप लोग जो है इसको 5.1 4.1 आराम से टेस्ट कर सकते हैं। तो मैं अभी टेस्ट करने वाला हूँ। आप लोग देख सकते हैं ये अपना वूफर है, वैसी का वैसी रखा हुआ है क्योंकि मेरे अभी काम आ नहीं रहा है ये वूफर, तो इसको मैं ऐसे ही रखा हुआ हूँ। इसको मैं सोच रहा हूँ टावर में लगाऊंगा, लेकिन टावर में फिटिंग का थोड़ा सा कुछ दिक्कत आ गया था। ठीक है, तो उसको मैं देखूंगा पहले, फिर लगाऊंगा उसमें आराम से। क्योंकि फ्रेंड्स बोलने के लिए तो टावर में भी 2.1 एम्पलीफायर ही लगा है और उसके साथ हमने जो है इसको टेस्ट भी कर चुका है, लेकिन वो जो एम्पलीफायर है वो ज़्यादा पावरफुल है। ठीक है, वो जो 100 वाट के आसपास 50-100 वाट निकालता है सबवूफर के लिए, और ये वाला जो एम्पलीफायर है ये मुश्किल से 20 वाट के आसपास निकालता होगा शायद इसके लिए सबवूफर के लिए। ठीक है, तो डिफरेंस उस चीज़ में है, वाटेज में डिफरेंस है, स्पीकर के साइज़ में डिफरेंस है। ठीक है, तो इसमें जो है 4 इंच लगा हुआ है और ये 8 इंच है, डायरेक्ट डबल कर दिया हम लोगों ने। ठीक है, तो डबल के साथ हम लोग इसको टेस्ट करेंगे अभी। तो फ्रेंड्स अभी जो है मैं कुछ गिव अवे पिछले जो चल रहे थे चैनल पे उनके बारे में बात करने वाला हूँ। अगर आप लोगों को ये पॉइंट नहीं देखना है तो आप लोग चैप्टर वाइज इसका जो है टेस्टिंग डायरेक्ट देख सकते हैं स्किप करके। ठीक है, तो मैं गिव अवे का फ्रेंड्स ये बता रहा था कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक वीडियो और यहाँ पे दोनों का थंबनेल शो हो रहा होगा, वो वीडियोज़ में जो है गिव अवे चल रहा था। ठीक है, 4 इंच स्पीकर एक में चल रहा है और एक में 3 इंच का स्पीकर का गिव अवे चल रहा है। फ्रेंड्स 4 इंच जो है वो तो पेपर कोन वाला स्पीकर है, ओनली ट्विटर का काम करेगा वो। ठीक है, 4 ओम 15-20 वाट के आसपास का है वो शायद। ठीक है, और एक जो है ऐसा टाइप का ये जो आप लोग देख सकते हैं ये वूफर स्पीकर 3 इंच का होम थिएटर में जो लगता है, इसका गिव अवे चल रहा था। ठीक है, तो ये दोनों का जो गिव अवे है उनका टारगेट पूरा हो चुका है, आप लोगों ने कर दिया है, इसके लिए आप लोगों सब लोगों को थैंक यू। तो इनका जो है अब रिजल्ट निकालना है, रिजल्ट निकालने की बारी आई है। तो हम लोग जो है अगले वीक को संडे को हम लोग या तो सुबह 12-1 बजे के आसपास निकालेंगे रिज़ल्ट, या फिर शाम को 5-6 बजे निकालेंगे। ठीक है, मैं पोल रख दूंगा, आप लोग उसमें बता देना किस टाइम रिज़ल्ट निकालना है। ठीक है, तो हम जो है ये दोनों का रिज़ल्ट निकालेंगे, जो भी विनर है मैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट उसके घर में पहुँचाऊँगा। बस उसका मुझे एड्रेस और फ़ोन नंबर चाहिए रहेगा और कुछ नहीं मांगूंगा मैं, बस उसके घर तक डायरेक्ट ये स्पीकर्स पहुँच जाएंगे। और फ्रेंड्स अभी तक अगर आप लोगों ने वो वाले वीडियोज़ में पार्टिसिपेट नहीं किया है तो जल्दी जाओ पार्टिसिपेट कर लो, हो सके आप लोगों का ही नाम आ जाए। ठीक है, तो पार्टिसिपेट करना, और उसमें कुछ टारगेट है जैसे कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे करना है, लाइक करना है वीडियो को, कमेंट करना है वीडियो पे, ऐसा ऐसा कुछ टारगेट है अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। ठीक है, तो वो सब आप लोग उस वीडियो में ही देख लेना, पूरा वीडियो को अच्छे से देख लेना, अच्छे वीडियोस थे वो भी। ठीक है, उनमें भी आराम से आप लोग जो है देख के टारगेट को पूरा कर लेना, फिर आप लोग हो सकता है आप लोगों का एक वीक के अंदर ही आप लोगों में से किसी को मिल जाए स्पीकर। ठीक है फ्रेंड्स, बस यही आप लोगों को इन्फॉर्मेशन शेयर करना था। तो चलिए अभी आगे जो है इसका टेस्टिंग को बढ़ाते हुए हम इसे टेस्ट कर लेते हैं। तो ये जो है वायर्स को तो हमने अच्छे से सोल्डरिंग वगैरह करके कनेक्ट कर रखा है। इसमें से जो आपका रेड वाला वायर पॉजिटिव है, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये अपना इंटेक्स का 2.1 होम थिएटर है, एक डिसेंट सा ये कंप्यूटर मल्टीमीडिया स्पीकर है। ठीक है, आप लोगों ने बहुत वीडियो में देखा भी होगा, और यहाँ पे आप लोग अगर पुराने सब्सक्राइबर हैं आप जानते होंगे कि मैंने ये जो है अंदर से वूफर की वायर को निकाल के रखा है ताकि मैं बाहर से कोई एक्सटर्नल वूफर को कनेक्ट कर सकूं या चेक कर सकूं। ठीक है, तो इसमें जो है आप लोगों को एक रेड वायर एक ब्लैक वायर मिल जाएगा, तो रेड को रेड के साथ ब्लैक को ब्लैक के साथ सिंपल सा कनेक्शन है, कनेक्ट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स अब कुछ नए लोग आए होंगे तो उनके मन में ये सवाल आया, ये वायर आया कहाँ से। ठीक है, तो चलिए ये भी बता देता हूँ। जो अपना होम थिएटर के साथ अंदर जो बोर्ड रहता है मदर बोर्ड, जिसमें जो अपना वूफर का वायर कनेक्ट होता है, सेम टू सेम जो वूफर का वायर है समझ लीजिए, उसको मैं आधा को निकाल के इधर ले आया हूँ इस साइड पीछे साइड। ठीक है, उससे जो है मैं उस वूफर के साथ कई और वूफर भी कनेक्ट कर सकता हूँ। तो अंदर का वूफर तो चलेगा ही, साथ में ये बाहर का भी चलेगा, तो दोनों चलते रहेगा। तो आप ये मत समझिएगा कि बेस सिर्फ इससे आ रहा है, बेस अंदर वाले से भी आएगा, इससे भी आएगा, लेकिन इसका जो बम्प रहेगा वो आप लोगों को देखने को मिलेगा बाहर। ठीक है, तो यही चीज़ हमको टेस्ट करना है, बेस कैसा आ रहा है, कहीं कुछ उड़ उड़ तो नहीं जा रहा है इसमें। वैसे उड़ने का तो चांसेस है ही नहीं, बहुत ना के बराबर है, 90% चांस है कि नहीं उड़ेगा। ठीक है, तो चलिए अभी टेस्ट कर लेते हैं। ये है अपने पास ऑक्स केबल, इसको इनपुट में हम यहाँ कनेक्ट कर देंगे।
ठीक है, तो चलिए अभी इसे टेस्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स मोबाइल से कनेक्ट तो हो गया है और मैं जो है इस बार NCS का सॉन्ग इसमें प्ले नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बेस में तो यूट्यूब वाले को भी पता चलने वाला है नहीं कि हम NCS चला रहे हैं कि एल्बम। तो एल्बम हम चला रहे हैं और ऐसा एल्बम है जिसमें जो बेस कई मतलब ज़बरदस्त टाइप का आ रहा था, तो इसलिए मैं आप लोगों को एल्बम सॉन्ग सुना रहा हूँ, उसमें आप लोग बेस काफ़ी अच्छे से पता चलेगा। ठीक है, तो चलिए अभी मैं सॉन्ग को प्ले कर लेता हूँ। यहाँ ऑक्स से ही कनेक्टेड है हमारा, देख सकते हैं फ्रेंड्स। आप लोगों ने देखा होगा बेस तो काफ़ी ज़बरदस्त आ रहा था, तो हो सकता है आप लोगों ने कई लोग होंगे जिन्होंने शुरुआत में सोचा होगा कि यार 20 वाट कहाँ ही चला पाएगा इतने बड़े सबवूफर को जो कि 160 वाट का है। ठीक है, लेकिन आप लोगों ने देख लिया कि कितना अच्छा जो इसमें साउंड क्वालिटी आ, जो मैं आपको बता रहा हूँ वो जो है नॉर्मल जो इसका वाट आ रहा है उसको बोलते हैं। वैसे तो देख सकते हैं इसमें 2100 PMPO लिखा है, मतलब 2100 वाट, 1500 वाट ये सब बोल के बेचते हैं, लेकिन वो होता नहीं है असलियत में, वो 20 या 10 वाट ही होता है जो पूरा घर को हिला देता है। ठीक है, मैक्सिमम 50 वाट भी आपके घर को हिलाने की ताकत रखता है। ठीक है, अगर आप लोग बेस में बात करेंगे तो सिर्फ 50 वाट तक भी आप देंगे ना तो आराम से आपका घर को हिला देगा वो। ठीक है, तो ये चीज़ को आप वो मत करना, अंडर एस्टिमेट मत करना। तो काफ़ी इसमें अच्छा बेस आ रहा था, और अगर आप लोग लगाना चाहते हैं 6 इंच या 8 इंच आराम से 2.1 4.1 में लगा सकते हैं, 5.1 में तो एटलीस्ट 5 से 6 इंच तो होता ही है। ठीक है, उसमें आप लोग 8 इंच तो आराम से लगा सकते हैं, चाहे तो 10 इंच भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो क्वालिटी में कोई डिग्रेड नहीं आएगा, बल्कि बेस थोड़ा सा बूस्ट ही होगा। बस मेरे को टेस्ट कराना था कि आप लोग एक्सटर्नल 8 इंच या 10 इंच अगर लगाते हैं तो आराम से उसको जो है आप लोग इसमें चला सकते हैं। तो अभी जो है फ्रेंड्स थोड़ा सा साउंड भी आएगा, उसके साथ टेस्ट कर लेते हैं NCS का सॉन्ग के साथ। तो फ्रेंड्स इसका टेस्टिंग को जो है हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। ठीक है, होप करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। ठीक है, लाइक करने से कुछ ज़्यादा कुछ होता नहीं है, सिर्फ हमको मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए और ऐसे वीडियोस लाएं, और पता चलता है कि आप लोगों को ऐसे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और इस वूफर को और किसे टेस्ट करना है प्लीज़ कमेंट करके बता सकते हैं, मैं 90% तक का कमेंट का रिप्लाई कर देता हूँ, और जो 10% रह जाते हैं वो या तो लैंग्वेज मेरे को समझ नहीं आता या फिर यूट्यूब मेरे को शो नहीं करता, उसके वजह से रिप्लाई नहीं हो पाता है। तो आप लोग दोबारा कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करता हूँ रिप्लाई करने का। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पर अभी तक नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।